दोस्तों, बेहद जरूरी मुद्दा जो कि बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, वो लगातार तंत्र के द्वारा भी और तथा कथित लोकतंत्र के चौथे खंभे के द्वारा भी नजरअंदाज किया जाता रहा है। हमारी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों की समस्याओं पर जैसे धृतराष्ट्र बनकर के बैठ गई है और उसे ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। तो सरकार तो धृतराष्ट्र हो ही गई, उसे कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। लेकिन जिस संजय की जिम्मेदारी थी, जिस मीडिया रूपी संजय की जिम्मेदारी थी, उस धृतराष्ट्र को सही बातें बताने की, क्योंकि उसे खुद दिखाई नहीं दे रहा है, वो मीडिया भी गूंगी हो गई है और वो सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा रही है। उसके लिए बेरोजगारी का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा कोई मुद्दा है ही नहीं। उसके लिए देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में आज क्या हुआ। सैफ अली खान के लड़के तैमूर ने आज कितने बजकर कितने मिनट पर हंसा। पैनल डिस्कशन केवल और केवल उन्हीं मुद्दे पर आयोजित किए जाते हैं जिनका कि आम जनमानस से कोई मतलब नहीं। ये तो बहुत अच्छी चीजें टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हुई, जो हमें सोशल मीडिया जैसा हथियार मिला और अब हर व्यक्ति के हाथों में मोबाइल है, वो उससे वीडियो बना सकता है, वो उससे ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकता है, वो फेसबुक पर जाकर के आर्टिकल लिख सकता है और अपनी आवाज को सत्ता के गलियारे तक पहुंचा सकता है। तो आज हमारे पास ऐसे रिसोर्स हो गए हैं जिनके द्वारा जब पूरा मीडिया संस्थान मौन हो जाए तब भी हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और ये हमने पूरा देखा, अरब स्प्रिंग जो हुआ, जो अरब में क्रांति हुई और बड़े बड़े सत्ताधीश जिनके नाम से लोग कांपते थे, उन सत्ताधीशों की सत्ता तिनके की तरह बिखर गई। तो पिछले 2-3 दिनों में जो एक सोशल मीडिया पर आंदोलन खड़ा हुआ है छात्रों के हित में, वो आंदोलन अभूतपूर्व रहा। ट्विटर पर जब से ये मुद्दा उठा है तब से टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों ने इस मुद्दे को बार बार वीडियो के जरिए उठाने का काम किया है। हम लोग भी लगातार ट्वीट के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं और अब इस आवाज को हम वीडियो के माध्यम से भी प्रसारित कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ मूलभूत चीजों को भी हमें समझने की जरूरत है। इस समय आक्रोश काफी है, छात्रों में भी आक्रोश है, शिक्षकों में भी आक्रोश है, कोई भी एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहा है। अभी आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है, ये 2016 का फॉर्म भरा गया था। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लेखपाल की बात करें, तो पिछले 3-4 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि अब इतनी भर्ती आएगी, अब इतनी भर्ती आएगी और पेपर में छोटी छोटी खबरें लीक कर दी जा रही हैं। ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं वो एडमिशन भी ले रही हैं, लेकिन एग्जाम का फॉर्म कब आएगा उसका कोई पता नहीं है। और जिन एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिलअप करा लिए जाएंगे उनका एग्जाम कब आए होगा उसका भी कुछ पता नहीं है। तो ये तरीका निश्चित रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि एक निश्चितता
का सिद्धांत तो होता है कि हमें पता रहे कि नहीं भाई ये इतनी भर्तियां आएंगी, इस टाइम इनका एग्जाम होगा, उसके हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन करें। अब ऐसे तो स्थिति यह है कि 4 साल से लोग लेखपाल की भर्ती के लिए रुके हुए हैं और इसी में कई लोग ओवर एज हो जाएंगे, वो पात्रता ही खो बैठेंगे इस एग्जाम को देने का। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और इस पे जब ये आवाज उठी है और इस बार बहुत सशक्त तरीके से आवाज उठी है, निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि देश का जो नेशनल मीडिया है वो अब इसे ज्यादा समय तक अनसुना नहीं कर सकता, और ना ही जो तंत्र है, जो सरकार है, वो भी इसे अब ज्यादा समय तक अनसुना नहीं कर सकती। ये मुद्दा बहुत प्रचंड तरीके से उठा है और इसलिए जो भी आंदोलन बहुत प्रचंड तरीके से उठते हैं उसके साथ काफी रिस्पांसिबिलिटीज भी आती हैं उन लोगों के कंधों पर जो इसे लीड कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे YouTube के चैनल पर वीडियो डाले जा रहे हैं और कुछ लोग तो लगातार इस विषय को उठा रहे हैं, लेकिन उसमें भाषा का संयम अगर आप देखेंगे तो बार बार टूट रहा है। तो हमें हमारे मुद्दे पर ही रुकना है, हमें उन मुद्दों पे नहीं जाना है जिन मुद्दों से हमारा कोई मतलब नहीं, वो बातें हमें नहीं उठानी है जिससे कोई एक वर्ग आक्रोशित हो जाए। हमें क्या करना है, हमें अपनी बात ही कहनी है। और हमारी बात क्या है, हमारी बात यह है कि एग्जाम टाइम से कंडक्ट कराए जाए, फॉर्म टाइम से आए, एक कैलेंडर आप बनाइए और उस कैलेंडर के हिसाब से आप चलिए। ठीक उसी प्रकार से ये कोरोना महामारी से जनित लॉकडाउन से पहले जैसे यूपीएससी काम करती थी कि एकदम जो है कैलेंडर आ गया, इस समय ये एग्जाम होगा, इसका ये फॉर्म आएगा, इस तरह की निश्चितता हो ताकि जो स्टूडेंट है वो इन सब की मार न झेले और चुपचाप किताब खोल करके वो पढ़ने का काम करे। तो ऐसे में ये सारी हमारी मांगे हैं और इन्हीं पर हमें एकदम फोकस करके रहना है, बहुत सारी चीजों को नहीं करना है। और इस समय एक छात्र होने के नाते आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो हमारा मुद्दा उठाना चाहते हैं या अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं और उल जलूल बातें बोल रहे हैं। तो ऐसे में हमें जो है इस पर नहीं रहना है और लगातार जो है ट्विटर पर इस हैशटैग को ट्रेंड करना है, और जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, जो तरीका है दुनिया का उसी तरीके से बोलो। और ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और तब उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये बहरी है, तो हम चिल्ला के बोल रहे हैं तो ये नहीं सुनते, इसलिए हमने बम से धमाका किया कि थोड़ा इसको सुनाई दे। तो आज वो समय नहीं है, आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरी है, लगातार इस विषय पर बात करने की जरूरत है। और जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनकी वाणी में संयम हो और वो चीजों को ठीक प्रकार से समझे। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि मेन मुद्दे पर ये फोकस नहीं हो पा रहा है। तो इस पे आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके इस बात को रखें कि मेन जो हमारा मुद्दा है उस पर आप जो है फोकस करिए। और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि बेरोजगारी केवल गवर्नमेंट की नौकरियों से दूर होने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का मामला है, उसी से रोजगार आएगा। लेकिन जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो निश्चितता होनी ही चाहिए कि किस एग्जाम के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें आप अलाट कर रहे हैं, कब एग्जाम का फॉर्म आएगा, कब आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे, भ्रष्टाचार मत करिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप समझिए कि
आपने फॉर्म भरवा लिया लेकिन 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन भी आप सही नहीं बना पा रहे। उत्तर प्रदेश तो इस महामारी से काफी अधिक ग्रसित है, 150 क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से 8 क्वेश्चन गलत होगा। तो किस प्रकार के लोग आपने आयोग में बैठाए हुए हैं कि जो 150 प्रश्न भी ठीक नहीं बना पा रहे हैं? तो पहले तो एग्जाम के फॉर्म का पता नहीं, जब एग्जाम का फॉर्म आ गया आपने फिलअप कर दिया तो एग्जाम कब होगा इसका पता नहीं, और जब एग्जाम का डेट आ गया और आप एग्जाम दे चुके और घर आए तो पता चला कि 8 क्वेश्चन ही गलत था, और इतने के बाद भी आपकी परेशानियां रुकने वाली नहीं है। इसके बाद ये पता चलेगा कि करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, कई लोग जो है पेपर लीक करा के पहले ही सब याद करके गोला भर करके घर पे आ गए। तो ये भी मुद्दा, ये मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये पीछे मैं देख रहा हूं, जितना मैं देख पाया उसमें मैं देख रहा हूं कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये पीछे चल रहा है। तो भ्रष्टाचार का भी मुद्दा आगे होना चाहिए, भाई भतीजावाद का भी मुद्दा आगे होना चाहिए कि भाई फेयर एग्जाम कराइए आप, भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो। हम बात कर रहे हैं खास करके जो स्टेट कि पीएससीज है उनकी हम बात कर रहे हैं, जो स्टेट की रिक्रूटमेंट एजेंसीज है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये भी चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश से हम लोग हैं तो इसमें लेखपाल का कब से बात चल रही है उसका फॉर्म जल्द से जल्द आना चाहिए, एसआई की बात कब से चल रही है उसका फॉर्म जल्द से जल्द आना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हमारे मुद्दे में रहनी चाहिए। अभी कम्युनिटी पर जो है दिवाकर सर ने शेयर किया है, उस पर 3-4 हैशटैग उन्होंने बनाया है, उत्तर प्रदेश से हैं आप तो उस हैशटैग को भी यूज करिए, इसे भी करिए, और हम सभी लोग पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आप लोगों के साथ है, जिस भी प्रकार से हमसे बन सकेगा हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं। तो बस इतनी ही बात कहना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा मुद्दा है वो कोर एरिया से इधर उधर न भटकने पाए। और अगर शिक्षक लोग भी मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि हमें अपने मुद्दे पर रहना है, और वो ये है कि एग्ज़ाम का फॉर्म जो है का डेट सर्टेन हो, कब एग्ज़ाम हो उसका पता हो कि कब होगा, और गलत क्वेश्चन ना डाले जाए पेपर में, इससे बहुत दिक्कत होती है, और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये भी ना होने पाए। तो सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और बहुत दिन तक इग्नोर आपने कर लिया, अब हमारे पास संसाधन है, हमारे पास आवाज है, और इस आवाज को हम जरूर बुलंद करेंगे, और जो तौर तरीका है बोलने का वो भी हम सीख चुके हैं, तो अगर आप बहरे हैं तो हम जोर से भी बोलेंगे। ठीक है, तो बस इतनी ही बात कहनी है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।